In this video, I am going to discuss with you types of flower. There are four types. You will study flowers, you know, on the basis of male and female reproductive present and how many parts are present in a flower, right? We have studied that flower consists of four parts, isn't it? So, complete flower is the one which consists of all four whorls, example, mustard and hibiscus. And what is whorl? Is this pattern which is made by what? Which is made by a curved line that forms a rough circle, okay, with smaller circles inside, okay. तो इस टाइप का जो पैटर्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं वॉल. जैसे आपने अपनी फिंगर टिप्स पे भी देखा होगा, जस्ट लेट मी शो यू. तो ये इसमें आप सर्कल्स देखते होंगे ना, छोटे सर्कल्स अंदर और बाहर, बड़े बड़े सर्कल्स, तो वो होता है वॉल. तो कंप्लीट फ्लावर आई हैव अपलोडेड वीडियो ऑन मस्टर्ड ऑल्सो. यू कैन सी दैट मस्टर्ड हैज़ ऑल पार्ट्स, मीन्स सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टल. सो इट इज़ अ कंप्लीट फ्लावर. नाउ इनकम्प्लीट इज वॉट? फ्लावर विच डू नॉट हैव ऑल फोर वर्ल्स, एग्जाम्पल मलबेरी एंड डेट पाम. मलबेरी, शहतूत, डेट पाम आप जानते हैं, खजूर. तो इसके कैसे फ्लावर्स होते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर्स होते हैं, यानी सारे पार्ट्स, चारों पार्ट्स प्रेजेंट नहीं होते एक फ्लावर में, ठीक है. किसी में आपको कोई पार्ट मिलेगा, किसी में कोई पार्ट मिसिंग होगा, ठीक है. तो उसमें चारों पार्ट्स नहीं होते. अब बायसेक्सुअल फ्लावर्स कैसे होते हैं? बायसेक्सुअल, द फ्लावर विच हैव बोथ स्टेमेन एंड पिस्टल्स आर कॉल्ड बायसेक्सुअल. फॉर एग्ज़ाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज़. आपने रोज़, मैंने आपको रोज़ का भी पार्ट्स दिखाए थे, ठीक है. अभी हिबिस्कस के भी अपलोड करूँगी. तो वो क्या है? बायसेक्सुअल फ्लावर्स हैं. दैट इज़ वाई वेन वी यूज़ टू टीच पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, वी यूज़ टू टेक वॉट, चाइना रोज़, रोज़, सो दैट यू विल नॉट बी, यू नो, यू विल गेट द कम्प्लीट नॉलेज ऑफ ऑल द फोर पार्ट्स, ओके. नाउ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. Uni means one. The flower which have either pistil or stamen are called unisexual flowers. Example, cucumber and bottle gourd. Bottle gourd की भी मैंने upload करी है, cucumber की कहीं है, जब मिलेगी तो मैं आपको cucumber भी आपको दिखाऊंगी किस तरह से वो grow किया जाता है. तो उसके कैसे flowers होते हैं? Unisexual flowers.